बात का अलार्म है, 4 बजे से बोल रही है, 5 बजे हैं। इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती सुबह सुबह, ना इतनी प्यारी आवाज़ सुनने को मिले। मेरे को तो नहीं लगता इससे अच्छी शुरुआत हो मॉर्निंग की ना। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं संतोष के अलावा स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने इस ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। छोटे छोटे बादल ही हो रहे हैं ना, अरे मौसम हाँ चेंज हुआ होगा है रोज़ शाम के टाइम भी, सुबह और दिन तो शाम में चेंज होया करता, तो सुबह ही छोटे छोटे लग रहे हैं सारे को है। कुछ अपना कराया है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हमें लो मिलो तब मशीन में कपड़े लगाए, कह रही हूँ मैं इतना ही यहीं कोई घूमती हूँ बाहर कोई ना, तो अलार्म दिखाया है 4 बजे स्टार्ट होती है ये, पूरब नहीं बोलती बिल्कुल भी, 5 बजे तक तो नॉन स्टॉप ही चलती है। गाय गुएँ अभी इतनी आती हैं सुबह सुबह, और रोटी बन देने का टाइम होएगा जब एक नहीं होएगी, जब रोटी बनाएंगे ना तब यह सुबह के टाइम आई हुई है। एक बार तो गेट खुलना है जब, तो सारी अंदर आने की करें हैं, क्यों गौशाला है ना, गेट खुल गया होंगे सेक्टर को तो ये गलियाँ में कोई फिर देंगे। अंदर ही बैठी हूँ थोड़ी ही, ग्रीन टी बना गए नर अपनी, कपड़े एक बार के उड़ रहे हैं सारे हो ही गए, थोड़ा हाँ जल्दी उठ गया ना मैं जल्दी, क्यों एक्सरसाइज इतनी करती नहीं, थोड़ी बहुत ना लो मिलो को पल बाती करूँ हाँ करूँगी, वह भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, एकदम नहीं करूँगी। अभी कल भी आराम था आज भी आराम है, तो मैं अपना थोड़ा हाँ बैठ के ना नीचे अपना यूँ ही कर लेती हूँ, तो इसलिए फिर उठ 5 बजे जाती हूँ, 5 की 4 बजे उठा देती है कोई ना, अलार्म भी नहीं बजता, अलार्म तो मैं 5 बजे का भरे होती हूँ, वह 4 बजे बोलने लग जाती है, वो अपने आप ही जाग आ जाती, फिर वो नींद ही नहीं आती। इस टाइम बैठती हूँ तो फिर ये स्कूल स्कल वाली बहन इतनी आने लग जाती हैं, दूध वाले की बहन स्कूल वाले की, तो वो फिर चुप ही नहीं होती, तो इसलिए इस टाइम अंदर और थोड़ा 6 बजे बैठूँ जब मच्छर नहीं बैठने देते बाहर, मैं एक आध बार बैठा करूँ जब हवा ही चल रही हो, भैया मच्छर नहीं कुछ कहेंगे जब बैठा करूँ, वैसे नहीं मच्छर ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। करी आई किचन वाले भी साथ के साथ सारा कुछ कराई, आटा उट्टा सब्जी काटने रोड पर सब बनानी बनानी रह रही है। अभी टाइम हो गया 8:30, सब्जियाँ बना दी, कपड़े धो गए थे सारे सुखा सुखू का ना, फिर बनाने लगी थी फिर घुसी थी किचन में, तो सब्जियाँ बना दी हैं, सीजन की पहली अरबी ली है तो अरबी बना दी है, जल्दी ही बन गई, और सीजन में जिस तरह पहली बार बना हुआ है ना, मैंने पहली बार लिया नहीं आया तो काफ़ी दिन से रही है, हमारे छोटे वाला बेटा ज़्यादा खुश होकर खा अगर बना ना खाया करता, इसलिए फिर मैं जब तक वो नहीं होता ना कम तक बनाती, फिर उसके आने के बाद ज़्यादा बन जाते हैं, फिर तो वीकली बन जाते हैं, बच्चे की च्वाइस होती है ना अपनी अपनी, एक हद पर स्वाद लग्या कर, दही हो या रहता हो साथ में ना, या दाल तूड़ हो तो सूखी सब्जी अच्छी लगे, पर मेरी तो दूसरी भी सूखी बने रही है, वो चने बचे हुए थे बेटा बोला उसी दिन वाले चने बनाओ, कढ़ाई करी थी सेम वही चीज़ें डाल गए ना, वो सेम वही बनाए, क्यों मैं ज़्यादा बॉयल्ड करा करूँ ना तो उनमें तो कुछ बचा लिया करूँ, फिर सैलेड सुलेड में मैं सर बचे हुए हैं ये सब्जी के लिए ही बचाए हुए थे, वैसे तो नहीं बचे हुए, यही बच रहे थे, ये कुछ होकर खाता है चने, बल्कि हलवा भी सीने कल परसों तो मैं उम्मीद थी कल उसने सारा ही दिन खा चने मिला मिला, आज फिर बोला चने ही बनाओ मेरे लिए, तो मैं नहीं अरबी खाऊंगा, तो मैं चलो तेरे लिए चने बना दे, और वैसे मेरे को भी अच्छे लगे अगर हलवा में तो जिस तरह मिला के खाते हैं ना वो टेस्टी लगे अगर, पर आज हलवा नहीं था, और मन भी नहीं करता एक दिन खा के ना, मैं कम ही खा करूँ, बेटा ही ज़्यादा खुश होकर खाता, और वैसे कहते हैं वीक में एक बार काला चना जो प्रसाद सा बनाते हैं ना आलू का, ये ज़रूर खाना चाहिए, छोले वो पूरी पूरी चाहिए रहने दो, पर इनको जरूर खाना चाहिए, ज़्यादा पौष्टिक होता है ये, क्यों हलवे में भी घी डल जाता है और चना तो फिर होता ही है, तो दोनों को मिक्स करके खाना चाहिए, कई लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ उन्होंने अपना एक दिन रखा हुआ है सैटरडे का, तो सैटरडे को जरूर खाते हैं काले चने और हलवा, और पूरी पारी नहीं बनाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट ये होता है सुबह हलवे में काला चना मिला कर ना, जो माता रानी का जो प्रसाद हो, अब फटाफट से तवा रख ली कोई लस्सी, लस्सी माता की बनाई हुई है लस्सी, दही सब कुछ डालते ना रख रहा क्या है टिफिन में, फ्रूट फ्राट जो टिफिन पैक करना है सब कुछ, बस तैयारी पर हम कर देती हूँ। टाइम हो गया पुणे 10 हो गए, जो नवरात्र वाला रूटीन है उसको बिगड़ने नहीं दे रही हूँ, जो तो बत्ती वाला रोड मैं किचन वाले काम बाद में करूँगी ना, जब तक चल रहा है जब तक चलेगा जब तक कोई नहीं आता, जिस दिन कोई आ गया ना उसी दिन मेरा उलट सुलट हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ जब तक चलता है जब तक तो अपनी करो ही ना, तो फिर शाम को तो होते ही हैं 9 बजे ही, जैसे जाने के बाद टिफिन टैप पैक करने के बाद और बाथरूम धो के
तो फिर मैं अपनी जोत बत्ती कर लूँगा दुकान। अब किचन वाले काम अब हो जाएंगे मेरे, स्टार्टअप कर लूँगी ना। किचन वाला बाद में होता रहे, उसमें कोई वो नहीं होता ना, सुबह जोत बत्ती वाला ही होता। कल जैसे मेरे को 11 ही बजने वाले हो गए थे, सारे काम करने पड़े। ललिता कह रहा अभी तो मैंने फोन भी नहीं करा, आज की भी पूछूंगा उसने आना है कि ना आना है, वो ध्यान ही नहीं रहा था। आए भी गीक नहीं यार, ना बनाने धोने के बाद फिर पोछा मारना पड़ा, फिर तो सब तो मुश्किल होगा। फिर तो आगे को मैं पाइप लेकर ना धोए के आऊँगी, अंदर अंदर करूँगी, चलो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे फिर दोबारा। अगर ना आई तो पहले तो फोन नहीं करती हूँ, एक बार उसको फ़ोन करती हूँ और बेटे का बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। उसको ना ये दुख है, भिगो कर रख दूँगी ना ड्राई फ्रूट, कुछ नहीं खाएगा, सारे इसको यूँ पीस के देने पड़े, प्रोटीन शेक है बना कर ना इसको सारा कुछ मिक्स कर दूँ, फिर एक आधी चीज़ और एक्स्ट्रा मिक्स कर देती हूँ, सूखे खा लेगा ड्राई फ्रूट भी गोए हुए, मैं इसको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। फिर मैं भी इसका एक अच्छा प्रोटीन वो बना दूँ ना, प्रोटीन शेक का क्या टिप्पे हमारे प्रोटीन कर लेंगे, जो बच्चे मंगाते हैं इतने महंगे महंगे तो आते हैं वो, और ना उनका यूँ किस चीज़ को वो ख़राब करते हैं, सबसे बढ़िया प्रोटीन शेक होता है सारे ड्राई फ्रूट। और उस प्रोटीन शेक का जो डिब्बे माता कंपनियों का, उसका तो कुछ आ भी रही थी एक दिन न्यूज़ में ना, नहीं पीना चाहिए आपके लीवर किडनी सब कुछ बैठ जाता है, इस तरह बना के दे दो ना, जिस तरह भी गो करना रोड, उस प्रोटीन से बढ़िया प्रोटीन है। और इसमें कोई मिलाना चाहे तो चने भी मिला सकता है थोड़े, बगैर छिलके बड़ा चना एक मुट्ठी और मिला कर ना, और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। बस तो पंगा कर दिया, दो चार दिन और ना संभालती ना, भूल गई थी ना डेट लिखी हुई है, एकदम आया है ऊपर निकल कर ना बिल्कुल ही बोतल का ना दबाया एंजाइम बनाया है, तभी बाहर उठा के ले आई थी मैं, एकदम ऊपर जाके लगेगा तो बाहर ही निकलती हूँ, अंदर निकाल रही थी ऊपर की तरफ ही आया निकल के, सारा गिल्ला हो गया, पोछा लगाना पड़ा है, मैं बाहर करी कर फिर निकलती हूँ, तीन चार दिन संभाली नहीं ना ये नेट के नीचे वो करके आई थी ना एक आध चीज़ें, और ज़्यादा नहीं करके आई थी और कुछ, बस वो उसके बहाने चली जाऊँ किचन वेस्ट डालने जाती हूँ तो उसका बहाना हो जाता है, थोड़ा उस बहाने थोड़ा आ कर आती हूँ, उसके नीचे को इतनी देर में ऊपर पसीने हो जाते हैं, तो सुबह ऐसे हम में ही हुई हो तो दिन में वो किचन वेस्ट होता है, उस बहाने का आधा काम हो जाएगा, फिर वो पसीने आवन जाना ही मुश्किल है। वो तो कुछ ऐसी चीज़ बनाओ करारी भी हो, टेस्टी भी हो और चटपटी भी हो, ये वो सोचने पर लग रही हूँ किचन में बनाऊँ क्या, वो चीज़ समझ में नहीं आती, पर ये थोड़ा आया है दिमाग में तो बना के वो दिखाती हूँ आज इसको ना बना के वो खुवाऊँ, अगर इसको अच्छा लगेगा तो। गेहूँ के आटे का नहीं बनाऊँगी, दूसरा बनाऊँगी, मेसा डालूँगी तो देखाती हूँ इसको एक बार, यूँ कहे ना करारी हो बिल्कुल ही जिस तरह सवाड़े जैसा यूँ टेस्ट आना चाहिए, अपने आप ही टूटे और हो रोटी में, अब देखती हूँ टास्क मैंने भी करना है, बचपन से मैं भी नहीं मई लगी हुई हूँ तो करके देखती हूँ मैं भी। पर पनीर ले आकर रख दिया, मिला सब्जी कोई नहीं मिलाओ मिलाओ तो बस पनीर और प्याज मिलाना है, तो मैं एक बार तो दिमाग में आया था पनीर और प्याज भुजी बना देती हूँ, टमाटर नहीं डालूँगी, तो भुजी से मना कर दिया, भुजी नहीं सब्जी नहीं बनानी, आटे में करना जो करना है तो करती हूँ। चैलेंज दिया है तो चैलेंज को स्वीकार करके चने का आटा, तो गेहूँ का थोड़ा मिलाया था कि उसको पता नहीं लगे गेहूँ का भी है, हाँ पर चने का मिस्से आटा है ये जो पेशवा रोटियों में होता है ना वो, नमक डाल दिया और डालूंगी घी, कितना घी डाला है एक बार इसको मिला लूँ फिर बताती हूँ। इस चीज़ से ये याद भी आया होगा, इस तरह मोन जिस तरह पूरियाँ का भी हम मिलाते हैं उसमें थोड़ा मिलाती हूँ, तो इस तरह आटे को करके पहले जिस तरह कैसे बताऊँ मैं, मेरी भाभी आगे जिस तरह डिलीवरी हुई बच्चे हुए तो उनका दाल दूल तो यूँ मन भर जाता, तो यूँ आटे घी में आटा गूँथ के ना जब रोटी बनवाया करती मेरी माँ, कई चम्मच घी की डाल के ना बिल्कुल यूँ हो जाता, और नमक डाल के ना तो उसी टाइप है का कुछ बनागा भी है। तो पनीर जो लिया था वो मैश कर दूँ, क्यों वो मैंने बहुत खाया हुआ है ना जब पे वहाँ मैं छोटी थी अपने घर में, तो मेरी भाभियाँ थी तो उनकी बनाया करती तो ये थोड़ी बहुत तो मिल जाया करती, तो अब हरी मिर्च डाल ली, थोड़ा अनारदाना, वो उसमें ये चीज़ें नहीं डला करती मोम मोम की डाल कर नमक डाल कर, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ज़ीरा थोड़ी ही अजवाइन बस टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लगे, तो हम अजवाइन खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी काली मिर्च,
थोड़ा हाथ डाला धनिया, हरा धनिया अब इन्हें मिला लूँ। पानी ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा हटाई ठा रखूँगी ताकि फिर वो करारा अपना हरे वैसे नहीं रहेगा। ढीला होने के बाद फिर तो सॉफ्ट आएंगी रोटी। इस तरह थोड़ा थोड़ा घी लगा कर ना ऐसे करारे करारे बनेंगे ना टेस्टी लगेंगे। हैं तो थोड़े आंगे बंगे टाइट है ना बहुत ज़्यादा आटा, करारा जब ही बनेगा, पर थोड़ा कट करा हुआ मैंने ऐसे ऐसे सवाली की तरह ना, इसका इसी चीज़ को ज़्यादा मन कर रहा था जैसे सवाली टाइप हो, कुछ कुरकुरा सा हो, ये इसने मेरे को बोला था। जो ये कट से लगाए हैं ना मैंने दोनों तरफ से, इनसे फिर फूलेगा नहीं, ज़्यादा गहराई तक के नहीं लगाए, छोटे ही लगाए हैं। वाकई में टेस्टी बने रहे थे। खा लिया मैंने भी, अब बर्तन धो दूँ, वह कपड़े उतार के ना फोल्ड करने रह रहे हैं, उतारे हुए तो हैं, वह वैसे ही डाले हुए हैं, मैं बाद में आराम से करूँगी कपड़े वाला भी काम ना, धूप में फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा है। एक बार निकली हुई थी तो फिर सारे उतार लिए थे, कपड़े ज़्यादा थे। तो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, दोपहर तक ही करती हूँ, कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।